हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कमल है और मैं यहाँ क्लास 9th की हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आज का टॉपिक है डाने वाली चिड़िया, स्नैपिंग बर्ड। इंग्लिश में हम इसे बता सकते हैं सिंगिंग बर्ड। तो कहानी स्टार्ट होती है, एक राजा के किंगडम से। एक राज्य, द मेन वर्ड्स किंगडम, यहां से स्टार्ट होती है। तो एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। महल इज पैलेस हियर, महल का मतलब पैलेस है। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। वह महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। तो एक राजा था और उसका एक बहुत सा सुंदर सा महल था, जो जिसे उसे देख के राजा को उस पर बहुत गर्व था। जैसे गर्व इज नथिंग बट प्राउड। और उस महल को देखने के लिए टूरिस्ट लोग दुनिया भर से आते थे। और उस उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। तो वो महल इतना फेमस था कि उसके ऊपर एक बुक भी लिखा गया था, और उस बुक में गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा गया था। गाने वाली चिड़िया इज सिंगिंग बर्ड। तो उसमें वो गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा गया था। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। तो वो चिड़िया जो उनका राज्य था, राज्य के बगल में जो जंगल फॉरेस्ट था, वहां पे ही रहती थी और वहां से गाना गाया करती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों को यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। तो जो वो चिड़िया, वो जो सिंगिंग बर्ड थी, उसके बारे में राजा को भी नहीं पता था। लेकिन जब वहां के जो भी टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए, पर्यटक आते थे, तो उनके कहने पर उनको पता चला कि उनके पास वाले जंगल में एक गाने वाली चिड़िया है। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय के बारे में बताया नहीं था। जाओ और उस चिड़िया को पकड़ के ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। तो जब ये राजा उस गाने वाली चिड़िया के बारे में सुनता है, तो वो अपने सेवकों को, मतलब उनके महल में जो भी काम करते उनके सैनिक होते हैं, उनको बताता है कि आप लोगों ने कभी भी मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में बताया नहीं था। आप जंगल जाइए और तुरंत उस गाने वाली चिड़िया को लेकर आइए, मुझे उस चिड़िया के गाने को सुनना है। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी देखा नहीं था और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में चले। तो जब राजा ने जब उनके सेवकों और सैनिकों को पूछा गाने वाली चिड़िया के बारे में, उन लोगों को भी ये पता नहीं था। फिर भी वो जब राजा ने उसे ले आने का उन्हें आज्ञा दिया था, तो वो जंगल में चले और उसे ढूंढने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक लड़की मिली। और जब उस लड़की को वहां के सैनिकों ने पूछा कि बेटा यहाँ पे कोई गाने वाली चिड़िया के बारे में आपको पता है, तो वो लड़की बताती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय पर घर लौटती हूँ, तो वो मुझे रास्ते पर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तो जब वो सैनिक उस लड़की को इस गाने वाली चिड़िया के बारे में पूछते, तो वो बताती है, हाँ वो चिड़िया मुझे पता है। जब भी मैं खेत में काम करके शाम में थक के घर जाती हूँ, तो वो मुझे रास्ते में गाने सुनाया करती है, और जिससे मेरी थकान पूरी दूर हो जाती है। सैनिक के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारे मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगे। तो जब लड़की को सैनिकों ने उस अपने राजा की इच्छा के बारे में बताया, तो लड़की के अनुरोध पर वो चिड़िया उनके पास आया और उन्होंने चिड़िया किस तरह बुलाया, ओ छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा आपका मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या आप उन्हें गाना सुनाओगी। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो हरे भरे जंगल और खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। जब लड़की इस चिड़िया को ये बात बताती है कि हमारे राजा भी आपके गाना सुनना चाहते हैं, तो वो चिड़िया बोलती है कि मेरी मधुर स्वर तो सिर्फ जंगल में और खेतों में ही अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के राजा ये सुनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा, उनके सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और मधुर आवाज में गाने लगी। इसके बाद अगले दिन दरबार लगा, जहाँ पे राजा मंत्री सब लोग बैठे थे।
अब आप वो लड़की ली थी जिसने उस चिड़िया को बुलाया था, और थोड़ी देर बाद वहां चिड़िया भी आ गई और अपने आवाज मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। उनका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, चिड़िया तुम यही मेरे पास रह जाओ, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। तो चिड़िया बोलती है, महाराज मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपके आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। तो ये होने के बाद राजा उनसे बोलते हैं कि हे चिड़िया आप इतना अच्छा गाती हो, आप मेरे पास ही रह जाओ, मैं आपके लिए सोने का एक पिंजरा, अगेन द पिंजरा इज केज, पिंजरा इज केज, तो एक सोने का पिंजरा इज नथिंग बट गोल्डन केज, मैं तुम्हें सोने का एक पिंजरा बना के रखूंगा और जो तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब दूंगा, तुम मेरे पास रहना। तो चिड़िया बताती है कि हे महाराज मैं आपके आंखों में खुशी के आंसू देख पाती हूँ, तो मैं आपके साथ ही यहाँ पे रहूंगी। चिड़िया के सोने का पिंजरा बनाया गया। जिस किसी चीज को वह अच्छा करती राजा उसे पूरा करता। सारे राज में उस चिड़िया के संगीत की धूम बच गई। इसके बाद राजा ने जैसा बोला था उसके लिए सोने का एक पिंजरा बना दिया और चिड़िया वहीं रहना शुरू कर दी। जो भी चिड़िया मांगती थी राजा वो सब देता था। और थोड़े ही में उस राज्यभर में राज्यभर किंगडम राज्यभर में चिड़िया का जो भी संगीत था ना धूम मचा गया था। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आ गई। तो एक दिन दिन बीत गए, एक दिन सडनली उसे खेत में काम करने वाले किसानों की याद आ गई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़े। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ इलनेस। तो वो जब चिड़िया वहां खेतों में काम करने वाले किसानों की याद आने पर चली गई तो एक राजा को देखा। राजा को वो चिड़िया नहीं दिखी और उस चिड़िया के बारे में सोच सोच कर राजा का हेल्थ खराब हो गया, जैसे अस्वस्थ हो गया, इलनेस हो गया। सभी सोच रहे कि राजा को कैसे बचा रहे। और जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनके पूरे राज्य को पता चल गया कि चिड़िया नहीं है और राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो अब उनके राज्य के लोग ये सोचने लगे कि अब हम क्या करें जो राजा को हम बचा सकते हैं। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दी। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। वह देखती सबकी जान में जान आ गई। तो एक दिन ऐसा ही चल रहा था और एक दिन राजा का हेल्थ बहुत खराब हो गया। तो वो आवाज लगाने लगे संगीत। तो वो बोल रहे थे कि मुझे संगीत सुनना है, चिड़िया को लेकर आओ, संगीत सुनना है। सभी दरबारी सोचने लगे कि अब क्या करें जो चिड़िया वापस है। फिर थोड़ी देर में उन्हें वो मधुर संगीत फिर से सुनाई देने लगी। वे सब आवाज को देखने लगे, जहां से वो आवाज आ रही, जहां से संगीत आ रही थी। दरबारी सभी लोग वहां देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वहां सोने वो जो गाने वाली चिड़िया है वहां पे बैठ के गाना गा रही है। और जैसे जैसे चिड़िया गाना गा रही थी वैसे वैसे राजा का स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। किसानों के द्वारा चिड़िया को राजा की अवस्था के बारे में पता चला। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ गए। जैसे जैसे वो गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर हो जाती। तो चिड़िया को उनके जो राजा के किसान थे उनसे उनको पता चला कि राजा की तबीयत खराब हो गई है। और धीरे धीरे चिड़िया को ये बात पता चला वो राजा के पास आ गए और गाने लगी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। ये चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को ही सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। जब राजा ठीक हो गए तो राजा ने फिर से बोला कि ये चिड़िया तुम वापस मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं फिर से सोने का पिंजरे में रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तो तब चिड़िया ने यह बताया कि नहीं महाराज, मेरा गाना आपके साथ साथ जो खेतों में और जंगल में काम करने वाले गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे उनको भी सुनाना पसंद है। मैं आपको हर सुबह आपको ये गाना भी सुनाऊंगी और उनको भी सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों में राजा को गहरा असर पड़ा। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता।
तो जब चिड़िया ने ये बात कही तो राजा को ज्ञान आ गया। राजा भी सोचने लगा और यह बोले चिड़िया से कि हे चिड़िया, तुम महान हो, मैं जब तुम्हें सोने के पिंजरे और जो भी तुम चाहती हो वो सब दे के महल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये सब छोड़ के तुम किसानों और गरीबों के पास जाना चाहती हो, तुम महान हो। चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूर और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। तो इसके बाद चिड़िया ये बोलती है कि हाँ महाराज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ये भी मुख्य चीज है, क्योंकि गांव के किसान जो भी होते हैं वो हमारे हमारी सहायता करते हैं, हमारे अन्नदाता है, तो उनका भी हेल्प करना हमारा कर्तव्य होता है। सो दिस इज द टॉपिक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो जितना कष्ट करता है हमें उसकी फलता देनी चाहिए। सो थैंक यू डन विद द टॉपिक हियर। तो यहाँ कंटिन्यू मैं आपको इसका होमवर्क भी दे देता हूँ। तो होमवर्क एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। दिस इज द लेसन गाने वाली चिड़िया। तो आप अगर टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 में लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू राइट दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, नॉट लाइक ए टेक्स्ट बुक। आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और उसे लिख के होमवर्क करके भेजना है। और द मेन थिंग इज यू हैव टू राइट योर रोल नंबर, योर सेक्शन एंड योर नेम कंपल्सरी। थैंक यू।